हेलो दोस्तों, बहुत दिन हुआ ना देखे। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था लेकिन अभी ठीक हूँ। आप लोग की दुआ है। आप सबका स्वागत है बाबा यात्रिक में। यात्रामान भव। आज का एपिसोड है कोच्ची में सबसे बेस्ट अल्फाम कहाँ मिलता है। अभी आप लोग पूछोगे अल्फाम क्या हो। अल्फाम एक अरेबिक बारबेक्यू डिश है चिकन का, जो अभी आजकल केरल में बहुत फेमस है और ख़ासकर कोच्ची में एक ऐसा जगह यहाँ पर पब्लिक पागल है इस डिश के लिए। हम हैं अभी स्टेडियम में, नेहरू स्टेडियम जो कल्लू के पास में इसके पीछे है, और यहाँ पे बहुत ही फेमस है ये अल्फाम के लिए। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, एसी भी है, अगर आपको बाहर खाना है तो उसकी सुविधा भी है, और मेरे ख्याल से आप 50 से 60 आप लोग बैठ सकते हैं। तो फिर चलते हैं। दोस्तों, ये चेस्ट और लेग पीस दोनों मिक्स है, इसको पहले मैरिनेट करके रखा हुआ है चिकन पीस को। ये आप ऑर्डर करोगे तो ही बना दे। आप देख सकते हो ये कश्मीरी मिर्च है और उसके अंदर साथ में इनका एक सीक्रेट स्पाइस डाला हुआ है। ये जो मिर्ची का जो लेप है वापस लगा रहे हैं और उस पर जो फ्राई किया हुआ जो चीज़ है उसका लेप लगा रहे हैं। नारियल का तेल करेंगे तवे पे रखेंगे। ये सब ऑर्डर वाला है। दोस्तों, ये है गांधारी केरल में छोटा सा मिर्ची का नाम है, बहुत ही तीखा होता है और कहते हैं कि इसमें आयुर्वेदिक गुण बहुत ज़्यादा होता है। कहते हैं कि ये आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम कर सकता है। इसको मारते इसके लिए ताकि ये जो स्पाइस है पूरा मटन के अंदर मिक्स हो जाए। ये हॉल किसी भी इधर ही आपको देखने मिलेगा, बाकी कैफे या होटल्स में इससे ऐसा नहीं होता है। वापस से लेप लगा रहा है। स्मेल आ रहा है, बहुत ही एफर्ट वाला काम है ये, बहुत ही मेहनत लगता है इसमें। मेरे ख्याल से इसका जो टेस्ट रहेगा वो वर्थ रहेगा। ये कश्मीरी है तो और एक बार थोड़ा हल्का सा फ्राई करेंगे। नारियल का तेल डाल दिया है। अल्फाम के साथ बिरयानी और पूरी मंदी भी मिलता है। आपको पूरी मंदी पता नहीं हो तो मैं उसके पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर कार्ड भी होगा। शवरमा है ये कौन सा फ्लेवर है शवरमा का? ये सादा है। सादा
वो स्पाइसी स्पाइसी ये स्पाइसी शवरमा और ये सादा शवरमा। ये कुब्बूस बोलते हैं ना इसको, इसको कुब्बूस है। ये क्या मैदे का है कि चावल का है? मैदे का है। दोस्तों जो ऑर्डर किया है ये गांधारी अल्फा और ये कश्मीरी पोलिचेदू। पोलिचेदू मतलब ये बनाने के लिए फिर इसको वापस बंद करके या फिर पैक करके वापस फ्राई करते हैं। और साथ में आपको मिलेगा मायोनीज, एक चटनी और ये है कुब्बूस। इसका मेन इंग्रेडिएंट मैदा है। अगर आपको मैदा नहीं पसंद तो आप चावल कह सकते हो। तो दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले सबसे तीखा चीज़ खाते हैं कांदारी। बंदे ने जो आधा घंटे जो मेहनत किया वो है भाई, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मुझे लगा गांधारी बहुत तीखा रहेगा लेकिन ये आराम से खा सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आपको स्पाइस का फील होगा, स्पाइस नमक मिर्ची का फील होगा और एकदम लास्ट में चिकन का फील होगा आपको। बहुत ही जूसी है ये दुनिया, बाकी केरल में जो भी अल्फा है बहुत ड्राई होते हैं लेकिन ये बहुत ही जूसी है, बहुत ही सॉफ्ट है। हाई रिकमेंड। ये जो गाजर और ये जो वेजिटेबल्स है इसका लॉजिक पता है आपको कि हम जब भी नॉनवेज खाते हैं ना हमारा बॉडी एसिडिक बन जाता है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए कैरेट्स और बाकी लेमन होता है ये अगर नॉनवेज के साथ में सर्व किया जाता है। ये इसका साइंस कि किस किस को लगता है कि टेस्ट के लिए दिया हुआ है। अकेला हुआ यार इसके लिए जरा सीन है, एक हाथ से कर रहा हूँ। आओ मस्त भाई। अब आ रही है कश्मीरी फार्म की। पहले हम चिकन देखते हैं, सॉफ्ट है, फुल पका हुआ है। नाइस। ओके ठीक है, ज़्यादा इतना स्पाइसी नहीं है, खा सकते हो आप। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। मुझे तो कश्मीरी से गांधारी बहुत अच्छा लगा, यूनिक टेस्ट है। अगले एपिसोड तक के लिए बोला कहा।